हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ मास्टरमाइंड। गाइस, अभी हम एकेडमी के अंदर हैं। आज बच्चों ने काम शाम हमें कोई नहीं सुनाया, बहुत जिद की है और हमने भी बड़ी सख्त सजा दी है बच्चों को। आज सजा लिखने की दी और हमने तकरीबन कोई डेढ़ घंटे के अंदर 50 से 100 सवाल लिखवाया इनसे। और अभी हमने चैलेंज किया है इनको और ये अपनी मर्जी से तजवीज़ कर रहे हैं कि हम लेसन याद करेंगे, और अगर हम लेसन याद नहीं करेंगे और कल 4 बजे तक हम नहीं सुनाएंगे, 3 से 4 बजे तक, तो उसके बाद ये सजा तजवीज़ कर लें। बताएं कौन सी सजा होगी फिर आपके लिए, डिसाइड करें। ये गर्ल्स हैं, गर्ल्स वाली साइड पे तुम लोग बॉयज़ भी डिसाइड कर लें। हाँ जी, अगर 4 बजे तक तुम लेसन नहीं सुनाओगे तो क्या होगा? तो फिर मुस्तकिल तौर पर तुम्हें काम दिया जाएगा जो तुम सारी रात भी लिखोगे, सारा दिन भी लिखोगे। मंजूर है? हाँ मंजूर है। ओके करें, ओके। हाँ जी मंजूर है सबको? नहीं मंजूर तो नीचे बैठ जाओ। अभी कैंसल, चैलेंज कैंसल, चैलेंज कैंसल। कौन कौन चैलेंज को कबूल करता, हाथ खड़ा कर ले। नहीं तो बच्चों लिखना है, मैं इधर भी लिखवाना है, घर पर भी लिखवाना है, दो चीजें हैं। गर्ल्स वाली साइड पे मंजूर है भाई? ठीक है, ओके करें। गर्ल्स को भी मंजूर है तो ये बॉयज को भी मंजूर है। ना मंजूर फिर भी हमने धक्के से काम करवाना है, क्योंकि हम धक्के से काम करवाने के माहिर हैं। तो टेंशन ना लो बच्चों, क्योंकि लातों के भूत बातों से। तो ये बॉयज सारे जो है ना, वो तकरीबन लातों के भूत है। मेरे पास मोस्टली लातों के भूत ही आते हैं, तो आप हम इनको लातों के भूतों को लातों से ही समझाएंगे, ये बातों से समझने वाले नहीं है। डिसाइड हो गया फाइनल? तो ये क्लास है जी 9th हमारी, ये बॉयज बैठे हैं, ये साइड गर्ल्स की है। तो गर्ल्स और बॉयज, इन्होंने भी आज कोई लेसन नहीं सुनाया, जैसे कि 10th क्लास ने नहीं सुनाया। तो अभी हमने इनको लिखने का जो है वो पनिशमेंट दी थी। तकरीबन इन्होंने 40-50 क्वेश्चन जो है वो एक बच्चे ने लिखा है, एक घंटे के अंदर, सवा घंटे के अंदर। मजीद अगर कल ये लेसन याद नहीं करेंगे तो फिर लिखने की सजा इनको मजीद बढ़ा दी जाएगी। ये फिर रात को 2 बजे तक लिखेंगे भी और अल्लाह खैर करे साथ में रोएंगे भी और तौबा करेंगे कि हम लेसन याद करके आएंगे, ताकि हम वालदैन के लिए भी परेशानी ना बने और इदारे के लिए भी परेशानी ना बने, हमारा रिजल्ट भी बेहतर हो। और ये भी वही हैं जो आपको पहले बता चुके हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये लातों से ही मानते हैं और अब हम इनको लातों से ही मनाएंगे। और हमने इनको सजा यही देनी है कि ये लिखे, क्योंकि हम जानते हैं कि ना मारो ना कुट्टो, विचली अंदर गुट्टो। अब हमने इनकी विचली अंदर घुटनी है, एक तो इनकी करनी है छुट्टी बंद, और दूसरा साथ साथ इनको हमने लिखने की सजा देनी है। और ये लिखते रहेंगे फिर ये खुद ही तौबा करेंगे और लेसन याद करेंगे। अब आप डिसाइड कर लेंगे कल आप में से किस किस ने लिखना है और किस किस ने सुनाना है। आज आपको एक बार लास्ट चांस और दे देते हैं, खड़े हो जाएं जिसने सुनाना है। 4 बजे तक सारा काम क्लियर सुना देंगे आप? Yes. 1 घंटे के अंदर ये तमाम बॉयज सुनाने के लिए एग्री हैं आप? Yes. अगर आप नहीं सुनाएंगे 4 बजे तक, उसके बाद सजा। फिर आप मुस्तकिल जब तक आपके पेपर है आप क्या करेंगे, लिखेंगे। फिर मैंने लिखवाना है बच्चों 100-100 मरतबा एक एक क्वेश्चन लिखवाना है। जैसे कि मिस्टर चिप्स जो है वो अपने स्टूडेंट्स को सजा दिया करता था कि जो बच्चे क्लास में शरारत करते थे वो 100-100 मरतबा जो है वो रिटर्न काम देता था। इंशाल्लाह हम भी मिस्टर चिप्स की तरह ऐसे ही काम देंगे, लेकिन मिस्टर चिप्स 3rd डिवीजन था, आई एम नॉट अ 3rd डिवीजनर, मैं एक इंटेलिजेंट उस्ताद हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और ये जो मेरे पास बच्चे आते हैं ना, ये ख्याल से सारे ही नीले दिले हैं, ये 10-10 घरों से फिर फुर के आए हैं, और ये सारे मोस्टली जो है वो प्री 9th के स्टूडेंट जो डायरेक्ट 9th के पेपर दे रहे हैं, इन्होंने 7, 6, 5 उसके बाद डायरेक्ट 9th में। हाँ जी गर्ल्स को भी मंजूर है? ओके देख ले, हाथ खड़ा कर लें आप, ऊंचा बोल लें ना, आपको मंजूर है लिखना है या सुनाना है? पक्का? ऊंची आवाज में बताएं, और अगर ना सुना पाए तो गर्ल्स वाली साइड को भी जो है सुनाने का काम मंजूर है। तो अभी हम यहाँ पर इनका डिसीजन हो गया है, तो फाइनल डिसीजन मेरा है। कल 4 बजे तक अगर आपने लेसन ना सुनाया तो फिर कल से आप सारा दिन लिखोगे, सारी रात लिखोगे, अल्लाह के फजल से आप किताबों के राइटर बनेंगे अल्लाह के हुक्म से। ठीक हो गया, डन हो गया, हाथ खड़ा कर ले, डन। सजा सख्त होगी, सिर्फ लिखने की सजा होगी।
हमें पता है आपको कैसे काबू करना है, हम भी पूरे गुरु हैं बच्चों पढ़ाई के, टेंशन ना लेना। हाँ जी रियान साहब ओके ठीक है। तो अभी हम खड़े हैं फर्स्ट ईयर की क्लास के अंदर, बॉयज कुछ गायब हो चुके हैं, शायद सर्दी ज़्यादा लग रही है, और गर्ल्स जो है वो बैठ कर काम कर रही हैं, और उम्मीद है कि ये क्लास जो है हमें मायूस नहीं करेगी जैसे कि मैट्रिक वालों ने किया है, काम नहीं किया। ये जल्दी जल्दी अपना काम सुनाएंगे, सुना लेंगे बच्चे आप काम, हाँ नहीं सुनाएंगे तो आपको लिखने की सजा मिलेगी, ये ध्यान में रखना ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि न मारो ना कुट्टो विचली अंदर गुट्टो, हमें पता है स्टूडेंट कौन से काम से भागते हैं और कैसे काम करते हैं, तो हम भी मास्टर हैं बच्चों। तो आप जल्दी जल्दी काम करें, आपका टाइम एक लेक्चर का जो है वो 30 मिनट्स का है, और 30 मिनट्स में अंदर अंदर आपने सारा काम क्लियर देना है, वरना आपको लिखने की पनिशमेंट मिलेगी। तो इंटर वाले अच्छे बच्चे हैं, इंशाल्लाह हमें मायूस नहीं करेंगे, और जल्दी जल्दी आप अपना लेसन कवर करें, और जो छोटे बच्चे हैं मिडिल तक के वो सारे के सारे काम करके चले गए, उनको होगी छुट्टी। अभी बारी है इनकी, ये हमारा सेशन चलेगा 8 बजे तक। और दूसरी बड़ी अहम बात आपसे ये करनी थी कि हमारे मुल्क के अंदर बड़े बड़े साइंसदान हैं जो पॉलिसी मेकर है, अजीब पॉलिसी मेकर है भाई, 19-20 डिग्री सेंटीग्रेड में सर्दियों की छुट्टियां दे दी, माशाल्लाह माशाल्लाह, पता नहीं ये कौन सी सर्दी थी, उनको शायद ज़्यादा सर्दी लग रही थी क्योंकि एसी उनके तो बंद नहीं होते, वो सरकारी ऑफिसर होते हैं, और जब टेम्परेचर है हमारा 4 और 5 पर, तब हमारे स्कूल भी ओपन हो गए, कॉलेज भी ओपन हो गए, हमारी अकेडमियाँ भी ओपन हो गई, तब हमें ठंड में मारने के लिए स्कूल दोबारा रीओपन कर दिए गए, कॉलेज रीओपन, यूनिवर्सिटियाँ रीओपन। और भाई खुदा के बंदो, जब सर्दी पड़ रही है, जब टेम्परेचर 3-4-5 है, तब छुट्टियां दो, ये कौन से पॉलिसी मेकर है, कौन से आइंस्टाइन है, हमें अभी तक इनकी ये समझ नहीं लगी। और हमें माफ़ी दे दें भाई आइंस्टाइनों, फितरत के साथ मत खेलो, और जब सर्दियां हैं तो सर्दियों की छुट्टियां तब दो, जब टेम्परेचर 19-20-22-23 खड़ा है तब सर्दियों की छुट्टियां नहीं बनती, वास्ता अलग है लोगों के, छोटे छोटे बच्चे हैं, माफ़ी दो हमें, और हमारे जो फ्यूचर हैं बच्चों के वो बर्बाद मत करो, बच्चे पहले नहीं पढ़ते, और इन उनके साथ ऐसे खेल मत खेलो कि ये बच्चे किसी काबिल ना रहें, और इनको माफ़ी दे दो। और जो एग्ज़ाम्स की पॉलिसी बनाने वाले हैं वो भी खुद खुदा का खौफ करें, जब आप जो है अपना सेशन शुरू कर रहे हैं अगस्त के अंदर, बुक्स आपकी अगस्त सितंबर तक नहीं आती, आप भी माफ़ी दो, आप मार्च में पेपर रख रहे हैं, और क्या रिजल्ट आएगा, कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा, माफ़ी दे दो, हम तो थक गए बच्चों को पढ़ा पढ़ा के, मेहरबानी करो सर्दियों की छुट्टियां सर्दियों में दिया करो, और गर्मियों की गर्मियों में दे, और ये ऐसे पॉलिसी मेकर हमें माफ़ कर दें, वास्ता अलग है, पता नहीं आप कौन सी क्लासें और कौन सी जमातें और कौन सी किताबें पढ़ के ऊपर आए हैं, माफ़ी दे दें और छोड़ दें सीटें अगर आप काम नहीं कर सकते तो। अभी जो है ये सारे स्टूडेंट टेस्ट के लिए बैठ गए, आप देखते हैं ये टेस्ट में क्या रिस्पॉन्स देते हैं, 70% नंबर लेते हैं या नहीं लेते, और इन केस ये 70% नंबर नहीं लेते तो फिर जिस तरह इन्होंने अपनी सज़ा तजवीज़ की है कि इनको लिखने का काम दिया जाएगा, और क्या आप अपने वादे पे कायम है ना, ये हाँ वादे पे कायम है, जो नहीं होंगे हम कायम कर लेंगे बेटा, कोई बात नहीं, ये अपने वादे पे कायम है, और अभी ये टेस्ट दे रहे हैं 70% मार्क्स लेने हर स्टूडेंट ने, और ये पूरी अपनी कोशिश करेंगे 70% नंबर लेने की, नहीं तो ये दिन रात लिखना, लिखते रहेंगे और लिख के ये राइटर बन जाएंगे, और इतनी बार किताबें जो है ना वो प्रिंट नहीं होंगी जितनी बार इंशाल्लाह हम इनसे लिखवा लेंगे, ये बच्चा हमारा आपसे वादा रहा, आप लिख के ना लिखारी बन जाएंगे, मुसन्नफ बन जाएंगे, राइटर बन जाएंगे, ये बच्चे हर हाल में कामयाब होने ही होने हैं, ये अहमद आमिर भी कामयाब होगा, ये आगे बच्चा बैठा है हमारा लाडू काका, ये भी कामयाब होगा, ये सारे के सारे कामयाब होंगे, यहाँ दो बड़े यूट्यूबर भी बैठे हैं, आर के भाई यूट्यूबर और एनिमल हाउस यूट्यूबर, आप इनके चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर देना और इनकी वीडियो भी देख लेना। ये बाकी भी बच्चे बैठे हैं और मेरे ख्याल में ये ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करते हैं, मेरे तो व्लॉग ये देखते नहीं, पता नहीं किसके व्लॉग ये देखते रहते हैं, एस्ट्रोलॉजी को मेरे ख्याल में ज़्यादा पसंद करते हैं, और डकी भाई को तो चलो खैर, लेकिन इनके मैंने मोबाइल बंद करवा देने हैं क्योंकि ये मेरे व्लॉग नहीं देखते, तो इनको मैं दूसरे भी नहीं देखने दूंगा, ये काम करें काम करें, अभी इनके मोबाइल कल से इंशाल्लाह वो भी बंद करवा देने अगर इनके नंबर जो है वो सही ना आए, मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ इनके मोबाइल ऑन करने का क्योंकि मेरे तो ये व्लॉग नहीं देखते, अगर व्लॉग देखते होते तो हमारा वॉच टाइम कब का पूरा ना हो चुका होता, इसलिए
भाई इसको जेलसी समझे या जो मर्जी समझे, हमने इनके मोबाइल बंद करवा दे। जब हमारे व्लॉग नहीं देखने तो फिर किसी और के भी नहीं देखेंगे। तो ये था जी आज का हमारा व्लॉग, उम्मीद है आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। और ये बड़ा सीरियस डेंजरस व्लॉग है, ये कोई फनी व्लॉग नहीं है, ये बड़ा सीरियस व्लॉग है। तो आप हमारे चैनल मास्टरमाइंड को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, करना हो तो कर दीजिए, नहीं करना तो ना करें, आपकी मर्जी है। हमने ज़बरदस्ती आपसे कोई नहीं सब्सक्राइब करवाना, दिल करे तो कर देना, ना दिल करे तो ना, नहीं तो ना सही। ये फाद कुछ कहना चाहता है, क्या कहना चाहते हो? ऐसे नहीं कहते सब्सक्राइबर को, पहले कौन से सब्सक्राइब कर करके उनकी उंगलियां थकी पड़ी हैं। अच्छा, जिसको करना हो सब्सक्राइब कर दे, जिसको ना करना हो ना करे, आपकी अपनी मर्जी है।